हाय गाइस, क्या हाल है। फिर से एक और नई वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज हम लेके आ गए हैं इस बेब्लेड का रिव्यू, जो कि सबका पसंदीदा भी है गाइस। एंड ये सामुराई पेगासस है शोगन स्टील की तरफ से। गाइस ये मेरे ख्याल से लास्ट पेगासस है, इससे पहले विंग पेगासस मुझे नहीं पता भाई कब आया है वो, लेकिन ये लास्ट पेगासस है इसका मुझे पता है। और गाइस आज इसी का रिव्यू करेंगे एंड देखेंगे भाई कितना बढ़िया निकलता है। मैंने इसका पहले अनबॉक्स किया हुआ है, अनबॉक्स नहीं किया हुआ वैसे, मैंने रिव्यू किया हुआ है। आज इसका अनबॉक्स करेंगे हम, क्योंकि मेरे पास पहले नया नहीं था, मैंने किसी से ऐसे ही ख़रीदा था यूज्ड, तो अब मेरे पास नया है। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है इसमें और नया क्या क्या कर पाता है भाई, वो भी देखना होगा। एंड इसमें इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं कि कैसे लॉन्च करें इसको, नाइस, ये भी देखेंगे करके। ओके तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैंने स्टिकर्स नहीं चिपकाए, मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं मिल रहा है टाइम। कल की वीडियो में जरूर करूँगा भाई, कल की वीडियो में करूँगा, नहीं तो मुझे बहुत सुनने को मिलेगा। तो कल की वीडियो में पक्का स्टिकर्स लगा दूंगा मैं। ओके करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले डब्बा ही देख लेते हैं भाई। डब्बा हमको कुछ ऐसा मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है टकारा टोमी एंड आर, तो ये देख लेना भाई, मतलब है तो मिड फेक बट जो भी है। ओके तो यहाँ पे लिखा हुआ है सामुराई पेगासस और ये है W105R2F, ठीक है, रबर टू फ्लैट, शायद मतलब रबड़ का सेकंड वर्जन, फ्लैट फ्लैट जो भी है, मतलब इसका लॉन्चर वही अलग सा मिलता है हमको। एंड पेगासस इसमें बड़ा हो गया था। और गाइस पीछे इसको ये पार्ट्स मिलते हैं हमको कुछ अलग से, ये रबड़ है, मेरे पास एक ओरिजिनल पेगासस भी पड़ा है, उससे कंपेयर भी करेंगे बाद में इसकी। उसके अलावा यहाँ पे ये इसकी स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो, ये तो अबे ये तो उसके साथ मर्ज कर रखा है भाई। ओह भाई ये देखो, ये मेरे को ज़रूर करना है, मेरे पास ये सब है भाई। ओके ये पार्ट्स मिलते हैं इसके साथ में हमको, लेकिन हमको इसमें मर्ज करना है, तो ये नेक्स्ट लेवल बन जाएगा गाइस, ये पेगासस बहामात कुछ बन जाएगा भाई। ओके तो इनका लॉन्चिंग सिस्टम भी इन्होंने दिखा रखा है भाई, ये कुछ ऐसे है, यहाँ से लॉन्च करो, ये तो ये कुछ ऐसे लॉन्च करके जाएगा, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा राउंड फिर उससे बड़ा राउंड, तो ऐसा कुछ सीन है इसका। एंड ये पूरा अटैक टाइप है, वैसे इसमें लिखा हुआ, हाँ ये एस, पता नहीं यार क्या है, इंग्लिश में नहीं है तो नहीं पढ़ सकते हम, जो भी है इसका ये R2F मतलब यही होगा, रबड़ टू फ्लैट, मतलब सेकंड वर्जन है ये रबड़ का वो फ्लैट में, ठीक है। फिर ये है W, इसका जो वे क्या कहते हैं इसको, स्पिन ट्रैक इसका नाम है ये W0105, एंड ये इसका कोई नाम पता नहीं क्या नाम है, इसका भी कुछ अलग ही नाम है भाई, छोड़ो उसको। अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं भाई, बहुत हो गया पका, बहुत दिया मैंने, अब अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। स्टिकर्स इसके बहुत ही सुंदर लगते हैं भाई, हद से ज़्यादा सुंदर लगते हैं इसके स्टिकर्स, नो डाउट, ठीक है। उसके अलावा ये है रबड़ टू एंड ये है 105 स्पिन ट्रैक, और ये हमारे पास रिपकॉर्ड है, ये हमारे पास लॉन्चर है, इनका ज़रूरत नहीं है भाई, मतलब ठीक ही है। ओके ये है हमारे पास पेगासस, लेट्स सी इसकी कैसी क्वालिटी होगी भाई, मुझे नहीं पता कैसा होने वाला है ये, तो देख के ही पता चलेगा, चलो चीचा। तो गाइस ये इसका अपर लेयर है जो कि मेटल का होता है पूरा का पूरा ही, एंड सही है। उसके अलावा नीचे एक ब्लू पार्ट है और ये इसका फेस बोल्ट है, एंड इसमें पार्ट्स अलग वाले हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार के लिए, चीचा खुल जा। तो ये जो पार्ट्स हैं ये रबर टू है फ्लैट में, देखो ये जो मिड फेक्स होते हैं ना, थोड़ा सा क्वालिटी इशू होता है ये, देखो थोड़ा सा कटिंग में इशू हो जाता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता उससे, परफॉर्मेंस में इतना फ़र्क नहीं आता है, बट थोड़ा सा क्वालिटी इशू हो जाता है, यही कहना चाहूँगा। वेट वगैरह सब कुछ सेम निकलेगा, वो मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। पहले स्टिकर्स लगा लेते हैं इसकी, तो ये हैं इसके स्टिकर्स गाइस, अगर देख पाओ तो स्टिकर्स एक बार रख देते हैं। इसमें क्या है ये, तो ये भी शायद पेगासस के ऊपर होगा, हाँ ये पूरा पेगासस के ऊपर है, और इनका ये कुछ स्टेडियम गोल गोल सा, मेरे पास नहीं है भाई वो स्टेडियम, चलो जो भी है इसको रखते हैं एंड स्टिकर्स लगा के मैं आता हूँ एक बार में। ओके तो मेरे पास ओरिजिनल है और मेरे पास फेक भी है, ये वाला ओरिजिनल है, ये फेक है, मतलब मिड फेक है, नॉर्मल फेक, पूरा फेक नहीं मिड फेक, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है वो ये है,
अगर देख पाओ तो ये थोड़ा सा लाइट कलर में पिंक है और ये रेड है, ठीक है, ये रेड है ये पिंक है, ये इसका मेन डिफरेंस है। और सेम ड्राइवर में भी ये जो इसका ये वाला जो हिस्सा है रबड़ वो रेड है, इसमें ये थोड़ा पिंकिश है, और ये वाला जो पिंकिश है इसमें रेड है, ये डिफरेंस है इसमें। और इस पे आ जाएं तो इसमें मुझे कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है भाई, सही बताऊँ तो सही में इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर थोड़ा सा भी मान के चलो 1921 होगा तो ये थोड़ा सा मेरे को डार्क लग रहा है, या तो थोड़ा सा कलर इसका डार्क हो गया क्योंकि ये बहुत यूज़ हुआ है इसलिए ये नया है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क है गाइस, देखो इसमें कटिंग जो है ये वाली थोड़ा सा अलग से, देखो यहाँ पे निकली हुई है ना, टीटी में कोई नहीं निकली हुई है, थोड़ा फ़र्क आता है भाई मिड फिक्स में, ये मैं मान गया। ओके पीछे अगर देखें तो इसमें A2 लिखा हुआ है, यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, वो तो शायद कोड्स चेंज होते रहते होंगे लेकिन लिखा हुआ ज़रूर है, ठीक है। एंड हाँ मतलब इससे ज़्यादा और कोई डिफरेंस है नहीं इनमें, फेस बोल्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं है भाई, उनको छोड़ो, इसको छोड़ो, फेस बोल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। मेन चीज़ ये है कि क्या वेट में भी दिक्कत आती है, अगर वेट में प्रॉब्लम हुई फिर थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है वो। अब इनको असेंबल करके देखते हैं, ठीक है, दोनों असेंबल हो गए हैं। पहले फेक वाले का देख लेते हैं कितना है, ये है 36.9 या 98 कह लो, ये है 37 या 38 होगा फिर, यप 38.6, 2 ग्राम हैवी है ये इससे, मतलब फेक वाला मिड फेक में फ़र्क होता है गाइस, थोड़ा सा तो होता है भाई, ये मान लिया मैंने, लेकिन वहीं पे पूरा टोटल फेक लेने जाओगे तो बहुत ग्राम का फ़र्क मिल जाएगा, 10 ग्राम का भी फ़र्क मिल जाएगा। और हाँ जो मिड फेक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस सामुराई पेगासस में पता चल जाता है, बाकी सारे लगभग डिट्टो बनाए गए हैं, लेकिन सामुराई पेगासस में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है इनसे शायद, क्योंकि ये कलर्स साफ ही दिख जाते हैं भाई इसलिए, ठीक है। तो फाइट में तो इनका फाइट नहीं करा सकता मैं, दोनों को साथ में लॉन्च करना थोड़ा सा पॉसिबल सा नहीं है, फिर भी ट्राई कर लेते हैं एक बार, एक दो पॉइंट की बैटल कर लेते हैं, कोई नहीं, 3 2 1 हो जाए शुरू। ये क्या था भाई, ओके सेकंड ट्राई करते हैं, 3 2 1 हो जाए शुरू। नहीं हो पाएगा यार, कभी कोई बाहर चला जाता है, कभी कोई बाहर चला जाता है, पहले फेंक गया था, इस बार बाहर ये चला गया, ठीक है लास्ट ट्राई करते हैं फिर छोड़ देंगे। ओके 3 2 1 हो जाए शुरू, देखा फिर से चला गया, ठीक है बैटल कर लेते हैं भाई कुछ भी प्लेट से, आ जाओ भाई मिस्टर सजिटेरियो, 3 2 1 हो जाए शुरू। एंड समुराई, ओ बेटे मार, फेंक दे बेटे, ओ भाई मारे ही जा रहा है यार, और रुक ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी फर्क उसी को पड़ा है, ठीक है। मेन चीज़ है इनको मर्ज करने वाला सिस्टम, तो अब पहले जो मैंने बहामात मर्ज क्या अनबॉक्स किया था उसको करते हैं इसमें मर्ज, तो ये है बहामात, चलो अभी इसको देख लेते हैं, ये तो फिर पेगासस थोड़ी रहा, ये तो बहामात बन गया गाइस, ये देखो वैसे इस साइड से पेगासस है लेकिन उन्होंने ये साइड अप करी हुई है, तो अब ये कुछ अलग ही बन जाएगा। हाँ ये पेगासस थोड़ा छोटा पड़ता है, लेकिन हम ये कर सकते हैं 2 पेगासस को मिला सकते हैं, क्या होगा 2 सामुराई एक बन जाए तो, ओ भाई कितना सही लग रहा है यार, हाँ ये तो बहुत सही लग रहा है भाई, ये सबसे बढ़िया लगेगा। रुको अब ये देखना है कि इनकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया निकलेगी, 2 सामुराई पेगासस मर्ज हो गए हैं गाइस, ओ भाई यानी कि 2 पेगासस की शक्ति 1 पेगासस के अंदर है, इसका वेट भी लगभग 60 ग्राम के आसपास हो गया होगा, होना चाहिए 60 ग्राम, तो उससे कम तो बिल्कुल नहीं, लेट्स सी 61.6 ग्राम्स, नाइस। अब बताते हैं भाई बेब्लेड्स को यार, नाइस समुराई ब्रो, ऑल द बेस्ट, उड़ा दे सबको, उड़ा दे ये, छोड़ना मत भाई किसी को भी, अरे शेट ये थोड़ा गलत हो गया गाइस, पहले की तरह इसने वो वाला अटैक नहीं किया जो उसने करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं होता रहता है, वैसे राइट साइड तो ये है। अब करेंगे तो थोड़ा, हो हमारा नरूटो आ गया गाइस, सब हाय बोल दो नरूटो को, चिचाओ जल्दी हार जाओ भाई जो भी हारना है, और हाँ गाइस तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो,
क्यों नहीं करते यार बिना बोले, कर दिया करो यार, मज़ा आ जाता है फिर। ओके पेगासस हारने वाला है क्योंकि इतना स्टैमिना थोड़ी होता है किसी के पास। हैं जीतने वाला है, ऐसा कैसे हो सकता है गाइस? वही तो मैं सोचूं, मतलब जीत जाता अगर एक दो ट्राइव हम करते तो अच्छे से। कोई नहीं, ये तो भाई थोबड़े पे मारा उसको सीधा जाके। एक दो तीन, ये देखो गाइस, ये शिट यार, क्यों भाई? कम ऑन सजिटेरियो, बाहर आ, बाहर आ। नहीं मुझे इसको अंदर भेजना पड़ेगा। अब बताएगा इस अच्छी को। देखो गाइस, फेक में और ओरिजिनल में डिफरेंस ये है कि फेक हिल जाते हैं ओरिजिनल के टक्कर से। ये प्रॉपर फेक है सेजिटेरियो इसलिए। लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा जीत जाएगा भाई ये, कैसे ना कैसे करके अपने आप को संभाल वाल के। ओ भाई जीत गया, नेक्स्ट लेवल। 3-2-1 होता शुरू। फिर से थबेड़े पे मारा है गाइस, दोबारा करेंगे एक बार। योर मज़ा तो आ रहा भाई मैं मारने में। ओके हाय साहब, नाइस। अब बारी है मिस्टर गार्डियन एल्ड्रैगो से करने की, इनको देखते हैं। ये प्रॉपर फेक है बट मैंने इसको हैवी बना दिया है, ओरिजिनल से भी हैवी। एंड गया भाई, दो सामुराई पेगासस एक टाइप से बीस्ट बन जाते हैं यार। दो सामुराई पेगासस बहुत ही मस्त बनते हैं, ये तो मान गया मैं। ओके एक बार, ओ सॉरी गाइस। मैं भूल गया था, ठीक है। गया 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 गया, गया! ओ हो गाइस, टीपी फेंक दी भाई। क्या मारा यार, ये तो बेस्ट सीन था भाई, नाइस। अब आ जाते हैं भाई रिकॉइल मास्टर लियोन। ओ भाई जंप मत कर यार, ऐसे मत कर। ये दोबारा करेंगे भाई, किसी को कुछ नहीं समझ रहा ये। हाँ बट अब जीत जाएंगे, अब जीत जाएंगे। अगर स्टार्टिंग में अटैक ना करें तो जीतना उनका कंफर्म होता है लगभग, तो ये कंफर्म है जीतना इनका। भाई तहलका मचा दिया था एक बार के लिए, तो अब थोड़ी शांति होगी गाइस, माफ़ी करना, अब थोड़ा शांति हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है। फेंक दे, अभी भी फेंक सकता है तो फेंक दे, फेंक दे। नहीं, इन दी एंड तक मतलब फाइट तो की है पेगासस ने। ओ हो भाई लियोन अपनी शक्ति दिखाते हुए गाइस दो बार फेंक चुका है, मतलब एक बार हरा दिया। खत्म लियोन इस बार, खत्म भाई, दलिया बना दिया इस बार तो लियोन का। एक बार और, थोड़ा सा एक्साइटमेंट ओवरलोडेड हो गई थी गाइस। फेंक दे ब्रो, ना बाद में कुछ नहीं होने वाला भाई, छोड़ो बाद का कोई फायदा नहीं है। बाद में तो तुक्का बैठ गया तो बैठ गया, तो ठीक है। लियोन अटैक टाइप बनते हुए, लियोन के झंडे गढ़ते हुए गाइस। रुको, ओहो एक टक्कर, सिर्फ एक टक्कर। कौन देखना चाहता है इसकी डिटेल फाइट सारे के सारे मेटल फाइट से भाई, ये तो तहलका मचा देगा। या फिर हम करते हैं इसका 1 vs 100 गाइस, ये बढ़िया चीज मिल गई है 1 vs 100 करने के लिए। ओके 1 vs 100 इसका कंफर्म हो चुका है, ठीक है। हाँ तो गाइस बताओ यार कैसा लगा सामुराई पेगासस। एंड गाइस ये जो मर्ज हुआ है ना, ये नेक्स्ट लेवल है भाई, इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं हम। ये बहुत ही सही लग रहा है यार ये मर्ज होकर, मतलब एक टाइप से बहुत ही प्रॉपर क्या कहते हैं इसको, बढ़िया बेब्रेड लग रहा है, शब्द नहीं मिल रहे मेरे को, मुझे माफ़ करना, बट ठीक है। ओके तो ये थी आज की वीडियो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1 vs 100 इसी की करेंगे, बट थोड़ा टाइम दे दो। ओके तो बाय बाय गाइस।